हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। इसमें कस्टमर ये बोर्ड है इंटेल G31GL, और प्रॉब्लम कस्टमर ने ये बोला है कि जब भी वो यहाँ पे सेल नया डालता है, सेल दो दिन में या एक दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। कोई भी नया सेल डालने पर वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसका मैंने जब डायग्नोसिस किया तब मुझे एक पता चला कि इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 3.1 वोल्ट, जो हमारा एसबी वोल्टेज से आ रहा है। अभी मैं रखता हूँ सी पार्ट जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और उसके वोल्टेज हम देख सकते हैं यहाँ पे 2.8 दिखा रहा है। बराबर, अभी ये वोल्टेज हमारे 2.8 दिखा रहा है, जो बैटरी का वोल्टेज है। मैं आपको बैटरी का वोल्टेज दिखा देता हूँ, बैटरी पे मैं प्रॉप रखता हूँ, ये बैटरी पे मैंने रखा है। अब आप डीएसओ पे देख सकते हो, वही वोल्टेज आपको दिख रहे हैं 2.8। अब ये जो ए पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट हुआ, तो ए पे मैं रखता हूं तो हमको 2.7 या 2.8 ही दिखाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो जाती थी वाली, अभी इसको जब चेक करते हैं हम लोग, तो अभी सेल निकाल देता हूँ इसके अंदर से। पावर कोई कनेक्शन है? अभी पावर भी कनेक्टेड नहीं है कोई भी। पावर का भी कोई सोर्स अभी मैंने दिया नहीं है, जैसा वोल्टेज देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज आते नहीं है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आ रहे नहीं है। कोई भी वोल्टेज आ रहे नहीं है। सप्लाई मैंने बंद कर दिया है। सीमोस सेल भी मैंने निकाल दिया है, जैसे आप देख सकते हो सीमोस सेल में निकाल दिया है। सीमोस सेल यहाँ से हमारा, अभी हम कंटिन्यू चेक करते हैं रजिस्टर। ओके, इसमें दो चीजें चेक करनी होती है जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तब हम लोग को क्या चेक करना है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला छोटा सा 1K का रजिस्टर है, जिसका यहाँ पे मैंने जिक्र किया, ये 1K का हमारा रजिस्टर है। और इसको हम 1K को चेक कर सकते हैं। आप रीडिंग देख सकते हो, 1K का रेजिस्टेंस ओके दिखा रहा है, 990K दिखा रहा है, मींस हमारा रजिस्टर ओके है। मींस हमारा ये वाला जो रजिस्टर है 1 किलो ओम्स का, ये ओके है। ये वाला सप्लाई मैंने अभी बंद कर दिया है, तो बैटरी अगर लगाता हूँ तो बैटरी का सप्लाई से ही ये सर्किट चालू RTC काम करती रहेगी। अभी हम लोग चेक कर रहे थे डायोड का प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि अगर ये वाला जो डायोड है, ये डायोड इंटरनली खराब हो चुका है तो भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो डायोड दिख रहा है आपको, मेरा ये रहा मेरा डायोड, ये वाला मेरा डायोड है जो आपको लोकेशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी डायोड का हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। डायोड के बी और ए के बीच में हम लोग जब रीडिंग लेते हैं कि ट्राई करता हूँ, तब आता है रीडिंग, देखो चेंज हो रहा है, 746 आ रहा है। अब इसको हम लोग सी टू ए देखते हैं, तो सी टू ए का ए हमारा रीडिंग आता है 249। मीन्स रीडिंग में हमको डिफरेंस दिख रहा है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस के कारण आता है, पर ये सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं है। अभी हम प्रॉप को उल्टा कर देते हैं, बी पे मैं ब्लैक कलर का प्रॉप रख देता हूँ और ए पे मैं ये रेड वाला प्रॉप रखता हूँ, तो यहाँ पे कोई रीडिंग दिखाता नहीं है। अभी मैं यहाँ पे से देखता हूँ, सी टू ए देखता हूँ, रीडिंग आ रहा नहीं है। अभी मैं फिर से ये चेक करता हूँ कि सी टू ए जो रीडिंग आ रहा है वो कितना आना चाहिए, 249 कितना आ रहा है, 248-249 आ रहा है। अभी ए टू सी करता हूँ,
तो रीडिंग मुझे हाई दिखा रहा है, जबकि डायोड की दोनों के कैथोड जो है वो जॉइंट है और एनोड दोनों के अलग है। तो यहाँ पे से बी टू ए हमारा रीडिंग आ रहा है 700 ओम्स के आसपास और सी टू ए जो है वो हमारा 250 के आसपास दिखा रहा है। मीन्स हम लोग ये मान सकते हैं कि डायोड जो बी टू ए वाला जो है इंटरनली ओपन हो चुका है या फिर खराब हो चुका है, और सी टू ए वाला जो डायोड है वह हमारा ओके है। मैंने डायोड निकाल दिया है, ये रहा मेरा डायोड, यहाँ दिख सकता है यहाँ पे छोटा सा डायोड है। अभी इसका रीडिंग लेने की ट्राई करते हैं कि ये खराब है या नहीं, मैं निकाल के भी चेक करता हूँ। तो जब मैं सीट और ए के बीच में रीडिंग देखना ट्राई करता हूँ तो 265 जैसा अंदर मदरबोर्ड में दिखाता था वैसा ही दिखा रहा है 250 ओम्स। अब बी टू ए देखने की ट्राई करता हूँ मैं, बी टू ए मुझे कोई भी रीडिंग दिखाता नहीं है। मीन्स मैं ये बात कर रहा हूँ ये बी टू ए, इसके बीच में मैं कनेक्शन की चेक करने की ट्राई करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी टू ए कोई भी रीडिंग दिखाता नहीं है। और सी टू ए जब चेक करते हैं सी टू ए मुझे 250 ओम्स का दिखाता है। ये वाला डार्ट खराब हो चुका है, मींस हमारा 3.3 वोल्ट का जो एसबी सप्लाई आता है, ये वाला सप्लाई एसबी सप्लाई, ये उसको मिल रहा नहीं था। इसके कारण ये क्या था, बार बार बैटरी पे ही चलता रहता था आरटीसी सेक्शन, उसके कारण बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती थी। अब मैंने उसकी जगह पे दूसरा डायोड मैंने लगाने की निकाला हुआ है, मैं आपको टेस्ट करके चेक कर लेते हम लोग उसको भी कि वो खराब है या नहीं। जो ये तो मेरा खराब था इसलिए मैंने उसको बाहर रख साइड में रख दिया, दूसरा डायोड मैं डालने वाला हूँ उसको पहले चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो रीडिंग आ रहा है 246 250 में 250 के आसपास का रीडिंग दे रहा है सी टू ए, और ये बी टू ए देख लो तो भी वही रीडिंग आ रहा है 238 250 जितना आ रहा है 238 जितना आ रहा है। मींस अभी ये डायोड हम लोग डालेंगे तो हमारी सर्किट चालू हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। मेरा भी ये डायोड, ये वाला जो डायोड है वह बदल दिया है। अब मैं इसका कंटिन्यूटी अभी हम लोग रखते हैं, टेस्ट करते हैं। सेल भी मैंने डाल दिया है, अब मैं सी पे रखता हूँ तो सी पे आ रहा है वोल्टेज 2.7 वोल्ट आ रहा है, और ए पे अभी दिख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2.6 जितना आ रहा है। मीन्स 1 वोल्ट का 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। अभी मैं इसी उसका एसी एसएमपीएस लगा देता हूँ, कनेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं। स्टैंड बाय मोड में ही रहेगा लैपटॉप, ये बोर्ड स्टैंड बाय मोड में चेक करते हैं। तब हम लोग बी पे देखते हैं, बी पे हमको 3.0 वोल्ट दिखा रहा है जो एसबी से आ रहे हैं, स्टैंड बाय वोल्टेज से आ रहे हैं, 3.0 वोल्ट आ रहे हैं। और इसके दूसरी ए साइड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 2.9 वोल्ट जितने आ रहे हैं, 3 वोल्ट के जो है वोल्ट वही वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी मैं पावर बंद कर देता हूँ, जब तक एसएमपीएस चार्ज रहेगा तब तक उसका वोल्टेज दिखाता रहेगा। ये 2.6 हो गया, अभी मैं एसएमपीएस का पावर टोटली बंद हो गया इसलिए वो 2.6 दिखा रहा है। अब फिर से ऑन करते हैं हम लोग, चेक करते हैं तो यहाँ 2.9 दिखा रहा है, और जो हमारा एसबी का सप्लाई है वो 3 वोल्ट जितना है। मीन्स 1.01 का 0.01 वोल्ट का वो डिफरेंस दिखा रहा है, यहाँ पे 2.9 में 3 वोल्ट जितने ही है। तो ये बैटरी अभी हमारी डिस्चार्ज होगी, ये वाला जो सीमोस सेल है वो डिस्चार्ज होगा नहीं। यहाँ पे सीमोस सेल पे देखते हैं तो 2.7 आ रहा है, और यहाँ पे जब डायोड की ए साइड पे देखते हैं तो 2.9 दिखा रहा है जो अभी एसबी वोल्टेज से आ रहा है, जो यहाँ पे मैंने समझाया कि ये वाला बी वोल्टेज अभी चालू हो गया है 3 वोल्ट एसबी, जो बी से फ्लो होके ए तक जाएगा और यहाँ से हमारा साउथ ब्रिज और आईओ में जाएगा। अब ये सर्किट हमारी हो गई है ओके। अब मैं पावर बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, अभी वो 2.9 दिखा रहा है और ये हो गया 2.6। अभी बैटरी पे देखते हैं तो 2.8 जितने वोल्टेज दिखा रहा है, बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से आप लोग चेक करके, आपकी जो अगर कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से चेक करके आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।